वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। मैं डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर दिल्ली से हूँ। मैं आपको आज ये हेयरिंग एड के बारे में कुछ बताऊंगा। हेयरिंग एड हर रेट का आ रहा है आजकल मार्केट में। आपको चाइनीज भी मिल रहा है, ब्रांडेड भी मिल रहा है, 1200 का भी मिल रहा है, 1 लाख का भी मिल रहा है, 50,000 का भी मिल रहा है, 15,000 का भी मिल रहा है, हर रेट का मिल रहा है। तो मैटर ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इनके चैनल्स होते हैं, क्लैरिटी होती है, साउंड वाइज होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह का है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपका लॉस सेम लॉस दो लोगों को हो तो दोनों को एक जैसा हेयरिंग एड लगेगा। सपोज मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी को सीवियर हेयरिंग लॉस है और वो पायलट है, उसे हर टाइम एक्टिव रहना है, हर वॉइस को सुनना है, उसे प्लेन ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा बेटर हेयरिंग एड लगाए और गैजेट यूज करने, उसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है, तो वो पर्सन वो पेशेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हेयरिंग एड लेगा। लेकिन अगर किसी की एज 70-75 है, उसको एक कमरे में रहना है, एजेड है, बाहर थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, बस पार्क में वॉक करना है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, उसको सोशलाइजेशन ज़्यादा वर्क नहीं है, घर में बातचीत करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 50,000 का हेयरिंग एड ले। उसे गैजेट यूज़ नहीं करना है, आईफोन यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए ये हेयरिंग एड जरूरी नहीं है कि वो कंपलसरी 50,000 का ही हेयरिंग एड ले, वो 10,000 का भी ले सकता है। तो ऐसा लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का हेयरिंग एड बेटर रहेगा, किस तरह का हेयरिंग एड आपको लगाना चाहिए और किस तरह का हेयरिंग एड आपके लिए बेस्ट है। ये कई बार ऑडियोलॉजिस्ट भी आपको नहीं बताते क्योंकि उनको थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसा हेयरिंग एड चूज करेंगे। पता चला आपने 50,000 का हेयरिंग एड ले लिया जो आईफोन से कनेक्ट होना है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, लैपटॉप कनेक्टिविटी है, और आपको ये कुछ भी नहीं करना, तो आपके लिए वो बेस्ट है। आप नॉर्मल हेयरिंग एड भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेयरिंग एड कहाँ से लें, किस मार्केट से लें, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हेयरिंग एड डीलर हूँ और एक अच्छे रेट पे, अच्छे डिस्काउंट में, जो बेचारे बच्चे गरीब हैं, नहीं खरीद सकते, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में बहुत हाईली रेंज हेयरिंग एड दे रखे हैं और बेचारे अफोर्डेबल नहीं है, पेंशन है, बुजुर्ग हैं बेचारे, जो पेंशन पे जी रहे हैं और पेंशन पे अपना रह गुजर कर रहे हैं, बेचारे नहीं खरीद सकते हेयरिंग एड, ज़्यादा महंगे, तो वो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को हेयरिंग एड चाहिए और मैं उनका फ्री ट्रायल, फ्री चेकअप करूंगा और ना के बराबर रुपए लेके उनको हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसा आप समझ लीजिए एक डोनेशन टाइप का वर्क कर सकता हूँ उनके लिए, एक हेल्प कर सकता हूँ उनकी, कि उनको बहुत हाईली हेयरिंग एड बता दिया गया है और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, परेशान हैं, मशीन नहीं लगा पा रहे, तो वो एक बार मेरे को कंसल्ट करें, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं और एक अच्छा हेयरिंग एड उनको ओपिनियन दे सकूं, एक अच्छे हेयरिंग एड के लिए सजेस्ट कर सकूं, एक सस्ता हेयरिंग एड डिस्काउंट दे के, जो है ओल्ड एज डिस्काउंट है, एनजीओ से अगर है, सीजीएचएस है, तो उनको वो हेयरिंग एड में दे सकता हूँ। तो एक बार मेरे को आप जरूर कॉन्टेक्ट करो, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर, वेलकम।